हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आप सभी को सेलेना ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब मेरे साथ इस होल डे को एंजॉय कीजिए। सुबह का ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट हो गया है और गोल्डी को थोड़ा सा बुखार हो गया, तो उसे देखते हैं वो क्या कर रहा है। सोया है शायद, देखते हैं। देखिए इसे, यहाँ पर सोया है लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ फोन भी है। देखिए क्या कर रहा है बदमाश को, दिखा। देखिए इसको बुखार हुआ है बेचारा, लेकिन फोन देखते देखते ही सोएगा पागल। रेस्ट करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, फोन देख रहा है। तो दादी तो यहाँ खा रही है। क्या खा रहे हो दादी, दिखाओ। तो समोसा और मूढ़ी खा रहे हैं। खाओ खाओ। तो देखते हैं माँ क्या कर रही है। क्या बना रहे हो मम्मी? खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी? ओ, आज मौसम देख के खिचड़ी बनाओगे? दिखाते हैं। तो माँ ने यहाँ पर कुछ जुगाड़ कर लिया है, चावल ले लिया और यहाँ कुछ बादाम भी है और यहाँ पर बना रही है। माँ आज किस खुशी में बना रही हो खिचड़ी? खिचड़ी का स्वाद है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ओहो, अच्छी बात है, बनाओ टेस्ट टेस्टी वाला। ये देखिए पूनम भी आ गया। या हमारे रेंट में रहता है पूनम। तो तेरा डॉल बहुत ही क्यूट है, मुझे देगा ना? देगा ना तेरा डॉल मुझे? रुक जा यार, चला गया अपना डॉल लेके। तो दादी कैसा लग रहा है समोसा? अच्छा। पापा शायद कहाँ गए हैं, तो आज गोल्डी का तो बुखार है तो मुझे यहाँ अकेला अकेला फील हो रहा है। वो तो सोया हुआ है, तो आज अकेले अकेले ही एंजॉय करते हैं दिन को। तो मैंने एक वॉच ऑर्डर किया था जो अभी आ गया है। तो पास में जो स्कूल था उसका एड्रेस मैंने दिया था, तो वहीं जाके मैं वॉच ले आई। ये वाला आया है तो खोल के देखेंगे कैसा वाला आया है। तो अभी नहाना धोना तो खत्म हो गया, तो बाहर जाके देखते हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं है, क्या बोले, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंडी ठंडी से लग रही है। मौसम बहुत खराब है, शायद बारिश होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो लंच तो खत्म हो चुका, अब मैं और गोल्डी यहाँ मैं बैठी हूँ, गोल्डी है, और हम यहाँ टीवी देख रहे हैं। और कुछ देर के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं। गाइस मेरा 6 बजे क्लास था, लेकिन मैं तो 6:15 हो गया उठते उठते, तो अभी उठ के क्लास ही कर रही हूँ। दोपहर सारे हम दोनों भाई बहन इतने उछले कूदे और ठीक शाम जब बजा 4:30-5 बजे हम दोनों सो गए। तो मेरा 6 बजे क्लास था और मैं लेट हो गई, 6:15 हो गया उठते उठते। उठ के ही मुझे याद आया कि आज क्लास है, तो मैं क्लास की। तो अभी क्लास खत्म हो गया, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी रात का 11 बज रहा है, तो सब सो गए, तो हम भी सो जाएंगे। और मैं मेरी दादी के साथ सोती हूँ, वो भी यहाँ सोए हैं, मैं अभी सोऊंगी। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए वंडरफुल डे, स्वीट डे। और मैं तो अभी जस्ट उठी, तो उठ के बाहर आ गई। तो यहाँ थोड़ा मैं कबूतरों को चावल दूंगी, तो हर दिन मैं देती हूँ, तो देते हैं यहीं गेट के बाहर, यहाँ मैं नीचे रख देती हूँ, तो वो आके खा लेते हैं। बस ये देख रख दिया। तो यहाँ पर कबूतर है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक कबूतर है, ये उड़ के जाएगा और सारे कबूतरों को बुलाएगा और यहाँ पर खाएंगे। तो अब मैं हूँ इसलिए नहीं खा रहे हैं, जब मैं चला जाऊंगा तो फिर देखेंगे आके देखेंगे, तो चावल ही नहीं होगा। यहाँ पर मैंने चावल फेंक दिया यहाँ पर, तो चावल तो वो खा लेंगे। अभी मैं जाती हूँ, गोल्डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका एग्ज़ाम चल रहा है, मैं थोड़ा बैठती हूँ, देखती हूँ वो क्या कर रहा है। ठीक है, गोल्डी का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अभी, और अब मैं और माँ जाएंगे थोड़ा हॉस्पिटल, थोड़ा मेडिसिन लाना है। पापा के साथ जाएंगे और आके मिलते हैं आपके साथ। तो अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है, तो अब हम आए हैं, पापा के साथ गए थे दोनों और मेडिसिन भी लाई और बहुत कुछ मार्केटिंग भी करके आए, ऐसे वेजिटेबल वगैरह से आए मार्केटिंग करके। और अभी देखते हैं, नहा धोकर खाना खाएंगे, तो ठीक है।
मेरा नहाना था खत्म हो गया, अब जाके लंच करेंगे, तो आने में देर हो गई इसलिए पापा ने होटल से खाना ले आए थे, तो वहाँ तो खाएंगे, खा के मिलते हैं आपसे। तो अभी लंच के बाद हम थोड़ा रेस्ट किए थे और अभी जा रहे हैं, पास में जो स्कूल है वहाँ मैं और दादी माँ जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल में और एक दादाजी और दादी माँ रहते हैं, वहाँ स्कूल की रखवाली करते हैं, तो उनके साथ मेरी दादी गप्पे लड़ाती है, तो मैं जा रही हूँ उनके साथ। तो जाते हैं उनके पास और स्कूल भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम पहुँच गए स्कूल के पास, स्कूल का गेट है, अंदर जाते हैं आपको दिखाते हैं। ये स्कूल है और यहाँ पर ये जो छोटा सा घर है, स्कूल का एमडी ने दादाजी दादी माँ के लिए यहाँ पर दिया है छोटा सा घर, तो यहाँ पर वो रहते हैं। दादाजी यहाँ दिन भर रहते हैं, तो ये सब चास के खेती किए हैं, ये सब पेड़ लगाए हैं यहाँ पर, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए कितना ये सब उन्होंने लगवाया है। ये दोनों यहाँ पर गप्पे लड़ाने बैठ गए, तो मैं जाती हूँ वहाँ स्कूल की तरफ, घूमाती हूँ। तो जाते हैं स्कूल की तरफ और देखते हैं स्कूल को। यहाँ पर देखिए ये सब पेड़ लगाए हैं फूलों का, ये वाला सब। दादाजी पेड़ों को पानी दे रहे हैं। दादाजी और दादी माँ यहाँ स्कूल की रखवाली करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं, स्कूल का ख्याल रखते हैं, बस ऐसे ही। और मैं अभी जा रही हूँ स्कूल के अंदर, तो आपको भी दिखाती हूँ स्कूल। ये वाला स्कूल का गाड़ी, कैम्ब्रिज स्मार्ट स्कूल। और यहाँ पर देवी माँ सरस्वती और गणपति पप्पा हैं। ये सब क्लासरूम है, ये तो सारे बंद ही है। ये तो पूरा एक लंबा हॉल के जैसा ही है। तो स्कूल तो आपने देख ही लिया, सारे पेड़ पौधों को भी देखा, बहुत अच्छे रोज भी यहाँ खिले हैं। ये देखिए ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है ये सब। और ये जो स्कूल है ये सिर्फ ये 2 साल हुआ खुला, लेकिन कोरोना के वजह से ज़्यादा बच्चे एडमिशन भी नहीं हो पाए, तो बस ऐसे ही बंद है। वैसे अभी तो कोविड के वजह से सब स्कूल कॉलेज भी बंद है, ये भी बंद है, लेकिन इसका थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर तो फिर जब कोविड चला जाएगा तो फिर उसके बाद ये जो ऊपर महला भी ये सब बनेगा, तो सिर्फ अब 1 फ्लोर ही बना है। तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, दिखाते हैं मैं आपको। वो जो दिख रहे हैं वो है स्विमिंग पूल, वहां जाते हैं। आ गए स्विमिंग पूल को, तो यहाँ चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं। ये देखिए पानी पूरा गंदा होके यहाँ है, पानी तो गंदा होगा ही, बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है इसलिए। तो ये है स्विमिंग पूल। तो आपने देख लिया यहाँ का स्विमिंग पूल भी, स्कूल भी देख लिया। बस छोटा सा सीबीएसई स्कूल बना है, तो बस ये ऐसा ही। और क्या, स्विमिंग पूल के पास यहाँ तुलसी का पेड़ यहाँ है और वहाँ भी कितना है। ये पिछला साइड पर जंगल की तरह है, आसपास यहाँ घर है। वो वाला घर हमारा है, देखिए वो वाला। बस इतना ही बड़ा है स्कूल का कैंपस। दादाजी तो ये पूरा जगह खेती में लगा दिए। तभी जाएंगे गेट के पास और वहाँ एक सिक्योरिटी का रूम है, देखते हैं बिल्ली। ये वाला ताला तो नहीं लगा है, देखते हैं खुलकर।
वहां तो कुछ नहीं था, बस स्टोर रूम जैसे थोड़ा थोड़ा चीज था वहां पर। तो अभी जाते हैं दादी के पास, कितने गप्पे लड़ा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। देखते हैं शाम होगा तो घर को चले जाएंगे। इनका गप्पे लड़ाना खत्म नहीं हुआ, दादाजी यहाँ बैठे हैं। लड़ाओ लड़ाओ। मैं तो यहीं स्कूल के तरफ ही घूम रही थी, शायद मेरी दादी का गप्पे लड़ाना खत्म हो गया तो वो आ रही हैं, तो उनके साथ अब घर जाएंगे। देखते हैं। आ गई वो उनके पीछे पीछे, और एक दादी भी आ रही हैं, तो उनका गप्पे लड़ाना खत्म हो गया, तो अभी चलते हैं घर। तो चलो चलते हैं। मोटरसाइकिल यहाँ पर भी थोड़ा गप्पे लड़ाना होगा उनका। तो अभी थोड़ी देर के बाद शाम भी हो जाएगा, तो हम जा रहे हैं घर। जाने के बाद आपके साथ मिलते हैं। तो दादी घूम के आई, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो यहाँ आके देखा कि शाम हो गया और पापा यहाँ अपने टाइम पास के जगह में आ गए, तो उनको अपना काम करने देते हैं। यहाँ थोड़ा देखेंगे अच्छे से, फिर जाएंगे घर को। हम तो घूम के आ गए, लेकिन यहाँ आंटी भी आए हुए हैं, खुशी की मम्मी, तो इनका बातें हो रहा है यहाँ पर। अभी घर को तो हम आ गए, लेकिन जो खुशी की माँ आए थे वो आंटी को छोड़ने के लिए माँ आधी रास्ता गए हैं, तो माँ का भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ माँ के पास, वो यहाँ है, इतने तक पहुँचे, ये देखिए। तो मैं भी जा रही हूँ, यहाँ थोड़ा बातें करेंगे दोनों, फिर जाएंगे। आंटी, ओके ठीक है, कन्वर्सेशन खत्म हो गया, अब जाएंगे घर। तो ये क्या, यहाँ टीवी कौन देख रहा है? गोल्डी क्या खा रहा है, मुझे नहीं दे रहा। हाँ ठीक है बेटा, तू मैगी खा ले, हम भुट्टे खाएंगे और तुझे नहीं देंगे। देखिए कितने स्टाइल से इस भुट्टे को काट रहा है, बाप रे कितना स्टाइल। जरा कंगी लाओ तो। कंगी क्यों? तो साइज से कटेंगे ना। तू पागल हो गए हो क्या? तो अभी इवनिंग टाइम है, थोड़ा स्नैक्स खाएंगे, भुट्टे बनाए थे माँ ने, तो भुट्टे खाएंगे। देखा तुमने बोला था ना मैं नहीं खा पाऊंगा। तुम छोटे बच्चे हो ना, रोग ना खाए तो इसलिए हमने दे दिया है ना। छोड़ी तो बस अब डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको गाइस अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।